हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिनेशन यानी परागण की। परागण एक ऐसी प्रोसेस है यानी पॉलिनेशन जिसमें परागकण यानी पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। आइए चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था, इसमें ये फीमेल पार्ट था कार्पेल और इसमें मेल पार्ट स्टैमन थे, और इसके अलावा यहां पर कलरफुल पार्ट और ग्रीन पार्ट इसमें मौजूद थे जो एसेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। सेपल, पेटल और स्टेमन कार्पल। कार्पल के तीन भाग हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और मेल पार्ट जो है स्टेमन, इसके दो पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट। तो पोलन ग्रेन्स एंथर में बनते हैं और ये मूव करते हैं स्टिग्मा तक। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कई टाइप से हो सकता है, मेनली थ्री टाइप्स हैं इसके। अगर एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं तो इसे हम कहेंगे ऑटोगेमी, जैसे कि इस फ्लावर में हो रहा है। एक ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं। अगर एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में अगर पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर स्टिग्मा में हो रहा है तो इट इज नोन एज जीटोनोगेमी, जैसे इस डायग्राम में आप समझ सकते हैं। एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है और दोनों ही एक प्लांट के हैं। ये इसकी लीव्स हैं, ये इसकी लीव्स हैं। तो ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट से अटैच हैं और इनके बीच पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है एंथर टू स्टिग्मा, तो ये कहलाएगा जीटोनोगेमी। और अगर कोई दूसरा फ्लावर है दूसरे प्लांट का और एक प्लांट के फ्लावर से पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक हो तो इसे हम कहेंगे जीनोगेमी। तो ये तीन टाइप से हो सकता है। अगर एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा हो तो ये ऑटोगेमी, अगर एक ही प्लांट के फ्लावर्स के बीच हो रहा हो तो जीटोनोगेमी, और दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा हो तो उसे हम जीनोगेमी कहते हैं। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोगेमी की, जिसमें पॉलिनेशन सेम फ्लावर्स के बीच होता है। एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो पाता है इसमें एंथर टू स्टिग्मा, और ये दो टाइप के फ्लावर्स में हो सकता है। या तो वो फ्लावर हो कैस्मोगेमस फ्लावर और या वो फ्लावर हो क्लीस्टोगेमस फ्लावर। इन दोनों को समझना पड़ेगा इससे पहले। कैस्मोगेमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जिनमें स्टेमन कार्पेल यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों ही एक्सपोज्ड हो, खुले हुए हो, पूरी तरह बंद वो नहीं होते हैं। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम आती है कि इनमें कंप्लीट जो पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेशन वो करना बड़ा ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो खुले रहते हैं और कोई भी जो इंसेक्ट है या एयर है या डिफरेंट जो एजेंट्स हैं उसके माध्यम से पोलन ग्रेन्स किसी के भी आ सकते हैं इसके अंदर खुले हुए। लेकिन अगर जो एंथर और स्टिग्मा बहुत नजदीक हो और सिंक्रोनी उनके बीच हो, सिंक्रोनी मीन्स होता है एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स का बनना जर्मिनेशन और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी है वो सेम टाइम में अगर हो और ये दोनों क्लोजली अटैच्ड हो, नजदीक नजदीक हो यानी सिंक्रोनी हो, तो तब इन कैस्मोगेमस फ्लावर्स में जिनके एंथर और स्टिग्मा खुले हुए रहते हैं उनमें ऑटोगेमी हो सकती है। दूसरे फ्लावर्स हैं क्लीस्टोगेमस फ्लावर्स, जिनके फ्लावर कभी खुलते ही नहीं है और वो हमेशा क्लोज्ड रहते हैं। एंथर और स्टिग्मा उसी प्लांट के अंदर उसी फ्लावर के अंदर हमेशा बंद रहते हैं और हमेशा इसमें ऑटोगेमी ही होगी, क्रॉस पॉलिनेशन इनमें नहीं होगा और खुद में ही वो पॉलिनेशन कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कैस्मोगेमस फ्लावर के, एग्जाम्पल हैं सनफ्लावर,
पी बीन हिबिस्कस। और जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर के एग्जांपल हैं, जैसे जो चावल है वो हमेशा बंद रहता है, राइस, या गेहूं है वो बंद ही रहता है, और उनमें फर्टिलाइजेशन जो है खुद में ही होता है, पॉलिनेशन भी खुद में ही होता है, अंदर ही अंदर स्वयं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे वायोला, जिसे पैंसी फ्लावर कहते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, ये तीन ऐसे प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर दोनों ही टाइप के फ्लावर्स बनाते हैं, जैसे कैस्मोगेमस फ्लावर भी ये बनाएंगे और क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी ये तीनों बनाएंगे, वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे याद रखना जरूरी है। दूसरा है इसमें जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी, जैसा मैंने बताया था कि पॉलिनेशन इनमें दूसरे फ्लावर में होगा, लेकिन वो फ्लावर उसी प्लांट में होना चाहिए, यानी एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच पॉलिनेशन इसमें होगा। एंथर टू स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो जाएंगे, और ये स्ट्रक्चरली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, स्ट्रक्चरली देखा जाए तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं, लेकिन जेनेटिकली अगर देखें तो इनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक ही प्लांट के बीच अगर पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो जेनेटिकली तो बिल्कुल सेम होंगे, इसलिए ये स्ट्रक्चरली क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है जीटोनोगेमी, लेकिन जेनेटिकली इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं मेज, कॉर्न, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है जीनोगेमी। इसमें डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होता है, और स्ट्रक्चरली भी और जेनेटिकली भी ये क्रॉस पॉलिनेशन है, और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन में कह सकते हैं हम कि पॉलन ग्रेन्स बिल्कुल ही डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक स्ट्रक्चर के आएंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अच्छी परिभाषा ये दिखाते हैं यहाँ पर, और इजीली इनमें नए नए कैरेक्टर्स फ्यूचर में आते रहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑटोगैमी है इसे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और जीटोनोगेमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों का ही एग्जाम्पल है, बीच का है। स्ट्रक्चरली तो क्रॉस पॉलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन जीनोगेमी प्योर क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन के एजेंट्स की। पॉलिनेशन कई सारे एजेंट्स की मदद से होता है, जिसमें एबायोटिक एजेंट्स भी हैं और बायोटिक एजेंट्स भी हैं, यानी जो नॉन लिविंग एजेंट्स हैं उनमें विंड और वाटर, हवा और पानी की मदद से पॉलिनेशन होता है। स्टेमन से कार्पेल तक, यानी एंथर से स्टिग्मा तक जाता है पॉलन ग्रेन, और विंड से होने वाले पॉलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली। एग्जाम्पल है ग्रासेस, मेज एंड जिम्नोस्पर्म्स। और वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को हम कहते हैं हाइड्रोफिली, जिसके एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं। इसके बाद बायोटिक एजेंट्स भी हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, लिविंग बींग्स, जीवित प्राणी, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, आंट, स्नेल्स और ह्यूमन, ये सब बायोटिक एजेंट्स में से हैं। आइए इनको देखते हैं। इंसेक्ट्स से होने वाले पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंटोमोफिली, और इन ऐसे प्लांट्स जिनमें एंटोमोफिली होती है वो है रोज, पॉपी एंड साल्विया। कीड़ों के द्वारा इनमें पॉलिनेशन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। नेक्स्ट बर्ड्स, इनमें ऑर्निथोफिली कहते हैं बर्ड से होने वाले पॉलिनेशन को, और इसके एग्जाम्पल हैं एरिथ्रिना एंड मेरेक ग्रेविया। तो ये एग्जाम्पल है ऑर्निथोफिली के। बैट्स यानी चमगादड़ों से होने वाले पॉलिनेशन को कहते हैं हम कायरोप्टेरोफिली, और कायरोप्टेरोफिली का एग्जाम्पल है बाओबाब ट्री, या इसे एडेंसोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट आंट यानी चींटियों से होने वाला पॉलिनेशन कहलाता है मिरमेकोफिली, और मिरमेकोफिली जिन प्लांट्स में होता है उसमें से एक है मिरमेकोफिलस एसर वोरम। तो ये एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट स्नेल्स से होने वाला मेलेकोफिली, और इसका एग्जाम्पल है क्राइसेंथेमम और लेमा। और अंत में ह्यूमन यानी मनुष्य से होने वाले पॉलिनेशन को हम कहते हैं एंथ्रोफिली, और इसके एग्जाम्पल हैं अलग अलग जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, वेरियस ऑर्नामेंटल प्लांट्स जिनका पॉलिनेशन ह्यूमन के द्वारा आर्टिफिशियली किया जाता है। तो ये हैं अलग अलग पॉलिनेशन के एजेंट्स, और ये बहुत बार पूछे जाते हैं
हर एक पेपर में। आइए अब हम बात करते हैं विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं उनके स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। तो ऐसे फ्लावर्स जो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं उन्हें एनिमोफिलस कहते हैं, या इस कैरेक्टर को कहते हैं एनिमोफिली। और इसमें जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं वो ज्यादा कलरफुल भी नहीं होते हैं और उनमें नेक्टर भी नहीं पाया जाता है। आपको पता है कि नेक्टर जो भौवरे होते हैं बीज वो जाते हैं, मधुमक्खियां बीज कलेक्ट करती हैं नेक्टर को और वहां से उसे लेकर अपने छत्ते में ले जाती हैं बीहाइव में और वहां उसे शहद में कन्वर्ट कर देते हैं, हनी में। तो विंड वाटर पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं उनमें ये नहीं पाया जाता है। दूसरा, विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं उनमें एक ओवरी में एक ही ओव्यूल पाया जाता है। वैसे ओवरी में कई सारे ओव्यूल्स पाए जा सकते हैं लेकिन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में ऐसा नहीं होगा। इसके बाद जो इन्फ्लोरेसेंस है उनमें बहुत सारे फ्लावर्स पैक्ड रह सकते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है पोजिशन ऑफ फ्लावर्स इन फ्लोरल एक्सिस। तो ये जो फ्लावर की एक्सिस है या प्लांट की एक्सिस है इसमें जो फ्लावर्स की पोजिशन है वो सब ग्रुप में एक साथ अगर होंगे तो उसे हम कहेंगे इन्फ्लोरेसेंस, या इनकी जो पोजिशन है उन्हें इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो फ्लावर्स पैक्ड रहेंगे एक साथ और इसी को स्पेशल कैरेक्टर माना जाता है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। और इसमें फ्लावर्स इनॉर्मस पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेंगे बहुत सारे अमाउंट में ताकि हवा के माध्यम से वो दूर दूर तक जा सकें और इजीली फर्टिलाइज कर सकें या पॉलिनेट कर सकें दूसरे स्टिग्मा को। इसके बाद पॉलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, हल्के और नॉन स्टिकी होंगे, चिपचिपे भी नहीं होंगे, जिससे कि वो हवा के साथ दूर दूर तक ट्रेवल कर सकें। और विंड पॉलिनेटेड जो प्लांट्स हैं या फ्लावर्स हैं उनकी एक स्पेशलिटी है अगली कि ये वेल एक्सपोज्ड होते हैं, कौन, स्टेमन्स, क्योंकि अगर खुले वो अच्छे से नहीं होंगे, एक्सपोज नहीं होंगे विंड में तो हवा के माध्यम से वो उड़ेंगे कैसे उनके पोलन ग्रेन्स, इसलिए वेल एक्सपोज्ड होना जरूरी है स्टेमन का। इसके बाद इनमें जो स्टिग्मा पाई जाती है वो बहुत लार्ज होती है, फैदरी होती है, उसमें फैदर्स पाए जाते हैं और पंखनुमा आकृति के, और स्टिकी वो होते हैं, चिपचिपे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉर्न कॉब के जो टेसल्स हैं उसमें स्टिग्मा और स्टाइल वो हवा में वेव करते रहते हैं, वो हवा में झूलते रहते हैं जिससे कि पोलन ग्रेन्स को वो इजिली ट्रैप कर सकें। यहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं कॉर्न कॉब के टेसल्स जो साइज में बड़े बड़े हैं और वो हवा में झूलते रहते हैं जिससे कि पोलन ग्रेन्स को इजिली ट्रैप कर सके। तो ये था एनिमोफिली यानी पॉलिनेशन बाय विंड और ऐसे फ्लावर्स जो विंड से पॉलिनेशन करते हैं उनके स्पेशल कैरेक्टर्स हमने देखे। आइए अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन बाय वाटर की, जिसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। मोस्टली 30 ऐसी जेनेरा हैं प्लांट्स जो इससे यानी हाइड्रोफिली से पॉलिनेशन करती हैं। इसके साथ साथ ये जो 30 जेनेरा हैं उनमें से मोनोकॉट्स ज्यादा हैं यानी एक कॉटिलीडन वाले जो पौधे हैं वो ज्यादा हैं। इनमें से कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे वेलिशनेरिया, वेलिशनेरिया वाटर में रहने वाला प्लांट है, वाटर प्लांट कह सकते हैं, और इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है वो सरफेस में रहता है, पानी की सरफेस में, और जो मेल फ्लावर है वो पोलन ग्रेन्स अपने रिलीज कर देता है सरफेस में ही, और सरफेस में रिलीज करते हुए वाटर करंट्स के साथ वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वेलिशनेरिया के फीमेल फ्लावर तक आ जाते हैं, स्टिग्मा तक, और वहाँ जो स्टिग्मा है स्टिकी है और पोलन ग्रेन्स को वो ले लेती है अपने पास और पोलन ट्यूब्स बन के फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ऐसे वेलिशनेरिया में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा, जो पानी में ही जो रहता है सी ग्रासेस, समुद्र में अधिकतर पाया जाता है, तो सी ग्रासेस में फीमेल फ्लावर तो वाटर के अंदर डूब जाते हैं और जो मेल फ्लावर होते हैं उनमें रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स होते हैं। मेल जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स लिए रहते हैं और वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स पानी के अंदर डूबे हुए फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और वहां पॉलिनेशन हो जाता है। तो वाटर करंट्स के साथ ये जो लंबे लंबे रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स हैं वो वाटर के अंदर जाते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचकर आगे की प्रोसेस पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन को करते हैं। तो ये दो प्लांट वेलिशनेरिया और सी ग्रासेस
के लिए क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हाईलाइट यहां पर किया हुआ है। इसके अलावा जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनमें पानी से बचने के लिए, यानी ज्यादातर वो पानी में रहेंगे तो कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, वेटिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा गीले हो जाएंगे और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम हाथ को अपने पानी में बहुत देर तक डुबाए रखें तो देखेंगे कि कुछ अलग सा कलर, व्हाइटिश कलर हमारी उंगलियों का हो जाएगा और श्रिंक जैसी उंगलियां हो जाती हैं, जैसे मुरझा गई हैं उंगलियां, ऐसा लग जाता है, देखिएगा करके। तो ऐसा ही इनमें हो सकता है, इसलिए ये जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं उनकी स्पीसीज जो वाटर में ही रहती है उनमें म्यूसिलेजिनियस कवरिंग पाई जाती है, म्यूसिलेज की आउटर कवरिंग होती है जिससे कि प्रोटेक्शन हो जाएगा। जैसे सर्दियों में अगर हम अपने मुंह पे वैसलीन या क्रीम लगा लें तो हमारे स्किन प्रोटेक्ट हो जाएगी, लड़कियों को ये बेहतर पता होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करती हैं प्रोडक्ट्स का, तो हमारी जो स्किन है वो फटेगी नहीं और जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे, पानी जो हमारे सेल्स का है वो बाहर नहीं निकलेगा, सेल्स डेड नहीं होंगे और चेहरा नहीं फटेगा। ऐसा ही यहाँ भी होता है, म्यूसिलेज की कवर जो होती है इसमें नेचुरली वो उन प्लांट्स को पानी से प्रोटेक्ट करती है। अगला देखिए, जितने भी एक्वेटिक स्पीसीज हैं पौधों की, जो पानी में रहने वाली ही स्पीसीज हैं, वो सबके सब हाइड्रोफिली ही दिखाएगी ऐसा भी नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि ऐसे वाटर प्लांट्स के नाम बताइए, एक्वेटिक प्लांट्स के, जो हाइड्रोफिली नहीं दिखाते हैं। तो उनके उदाहरण है वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में जो फीमेल फ्लावर है या पूरा का पूरा फ्लावर है वो वाटर लेवल से बहुत ऊपर आ जाता है, और वाटर लेवल से ऊपर आने के कारण वाटर लेवल में अगर कितने भी पोलन ग्रेन्स आ जाएं वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं, तो इसलिए वहां एंटोमोफिली ही होती है या एनीमोफिली, यानी या तो कीड़ों के द्वारा, कीट इंसेक्ट्स के द्वारा एंटोमोफिली पॉलिनेशन होगा, या हवा के द्वारा, एनीमोफिली के द्वारा पॉलिनेशन होगा, वहां हाइड्रोफिली नहीं होगी। तो ये चीज याद रखने वाली है। और थोड़ा सा क्लियर अगर करें तो वेलेशनेरिया जो है वो वाटर पॉलिनेशन करता है, इसके साथ साथ हाइड्रिला वाटर पॉलिनेशन करता है लेकिन ये फ्रेश वाटर वाला है, और जोस्टेरा जो मैरीन है यानी सी ग्रासेस जोस्टेरा, वो समुद्र में रहता है और पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन ही करता है। तो ये तीनों वेलेशनेरिया, हाइड्रिला और जोस्टेरा यानी सी ग्रास, तीनों में वाटर पॉलिनेशन यानी हाइड्रोफिली पाया जाता है, और वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में एंटोमोफिली या एनीमोफिली पाया जाता है। आइए अब हम बात करते हैं बायोटिक एजेंट्स की, यानी ऐसे लिविंग बींग्स जो मदद करते हैं फ्लावर की पॉलिनेशन करने के लिए। इन बायोटिक एजेंट्स में बीज आती हैं, मधुमक्खियां, बटरफ्लाई आते हैं, मॉथ आते हैं, रोडेंट्स आते हैं जैसे चूहा, गिलहरी वगैरह, बर्ड्स आते हैं, बैट आते हैं, बैट मीन्स क्रिकेट नहीं बल्कि बैट मीन्स होता है चमगादड़, रेप्टाइल्स और प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में आते हैं जो मंकी हैं, गोरिल्ला हैं, चिंपैंजी हैं, ऑल दीज। तो ये सब भी मदद करते हैं पॉलिनेशन करने के लिए, और पॉलिनेशन जो एनिमल्स द्वारा होता है उसके लिए जो जिस फ्लावर में वो पॉलिनेशन करेंगे वो फ्लावर उसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए अडेप्ट होगा। यानी जैसे आप कह सकते हैं कि बगुला है, बगुले का जो मेल होगा वो फीमेल के लिए ही अडेप्ट होता है, जैसे शादी कर लोगे तो एडेप्टेशन एक दूसरे के प्रति ही होगा, किसी और की तरफ जाओगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी, उससे अडेप्ट होने में टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, शायद पहली वाली जो है वो आपको छोड़कर चले जाए। तो इसलिए यहां फ्लावर से भी हमने सीखना चाहिए कि फ्लावर जिसको आकर्षित करता है पॉलिनेशन करने के लिए उसी के लिए ही अडेप्ट रहता है, किसी और के लिए नहीं। तो नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स स्टक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स एंटर करते हैं किसी फ्लावर के अंदर तो पोलन ग्रेन्स जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, स्टिकी भी हैं, चिपचिपे, वो उन एनिमल्स या उन इंसेक्ट्स के पैरों में चिपक जाते हैं और उनसे वो फीमेल स्टिग्मा तक पहुंच पाते हैं। इसमें बहुत लंबा फ्लावर है, एक टॉलेस्ट फ्लावर दुनिया का सबसे लंबा, वो है एमॉर्फोफेलस। इस एमॉर्फोफेलस फ्लावर में एक स्पेशलिटी होती है कि ये जिन इंसेक्ट्स को अपने अंदर आने देता है पॉलिनेशन कराने के लिए, वो इंसेक्ट्स इनमें
एग ले करने के लिए बड़ा सुरक्षित इनको मानते हैं, यानी अंडे वहां देखे जाते हैं और एक सेफ प्लेस की तरह वो फ्लावर होता है। तो जैसे ही इंसेक्ट्स वहां जाएंगे अंडे देने के लिए, वो पॉलिनेशन भी साथ साथ कराएंगे। तो इसलिए एमोर्फोफिलस एग लेइंग के लिए बहुत अच्छा सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक मॉथ है जिसका नाम है प्रोनुबा, इसे युक्का मॉथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये युक्का प्लांट जो है इस पर सिम्बायोसिस करता है। सिम्बायोसिस मीन्स ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को लाभ हो, सहजीवी संबंध इसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये मॉथ इसको मदद करता है और ये युक्का प्लांट इसको मदद करता है। कैसे, आइए समझते हैं। जो युक्का प्लांट है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है। ये अलग अलग ओवरीज हैं जिसमें अलग अलग ओव्यूल्स होंगे। तो युक्का प्लांट में ये मॉथ प्रोन्युबा जाता है और वहां एग दे आता है, अंडे, अपने अंडे दे आएगा। और अंडे देने समय ये जो मॉथ है युक्का को वहां पॉलिनेशन में मदद करेगा। जैसे पॉलिनेशन करेगा तो वहां एग भी लेकर आएगा और ये एग इसमें जो सीड बनेगा या ओव्यूल बनेगा उसमें ही रहेंगे। अब बाद में जब सीड जर्मिनेशन करेंगे, जर्मिनेशन मींस इसमें प्लूम्यूल और रेडिकल जड़ और तना डेवलप होना शुरू हो जाएगा, तो ये कीड़े लार्वल स्टेज में डेवलप होकर बाहर आ जाएंगे। तो एक सेफ प्लेस कुछ समय के लिए इन युक्का प्लांट के अंदर इस प्रोन्युबा नामक मॉथ को मिल गया और वो अंडे यहां दे आया और वो अंडे डेवलप होकर बाहर आए। तो युक्का प्लांट को क्या फायदा हुआ, इसका पॉलिनेशन हो गया। और मॉथ को क्या फायदा हुआ, इसके अंडे जो है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो गए और वो मतलब बच्चे बन गए इसके, डेवलप हो गए थोड़े दिनों, कुछ दिनों ये यहाँ पे रख के आएगा जिससे कि बच्चे थोड़ा सा डेवलप हो जाए। तो ये एक दूसरे को सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिखाते हैं। जो एंटोमोफिलस फ्लावर्स होते हैं यानी इंसेक्ट से पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स हैं, उनमें कुछ स्पेशलिटीज हैं, कुछ कैरेक्टर्स उनके हैं स्पेशल, जो अन्य फ्लावर्स अन्य प्लांट्स से उन्हें अलग करते हैं। जैसे इनमें बड़ा, लार्ज, कलरफुल और फ्रेग्रेंट्स यानी खुशबूदार और नेक्टर से रिच, नेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा होगा जिससे कि भौंरे वगैरह यहाँ आए और नेक्टर ले जाएं अपने शहद को बनाने के लिए। तो ये चीज़ें होती हैं इनमें, स्पेशलिटी इनकी होती है। खुशबू से आकर्षित होते हैं कई इंसेक्ट्स, कलर से आकर्षित होते हैं। अब आप समझिए कि प्लांट को पता है कि कोई बाद में आएगा पॉलिनेशन करने, इसलिए हम कलरफुल जो है पार्ट्स बनाते हैं फ्लावर्स को, और उनको पहले से पता है कि अट्रैक्ट करना है किसी को, तो वो फ्लावर्स में अट्रैक्ट होकर वो भौरे आते हैं और पॉलिनेशन कर जाते हैं। तो कितना बड़ा, हमारे पास तो दिमाग है लेकिन उनके पास पहले से ही इतना दिमाग है, या मतलब बिना दिमाग के ही दिमाग है। तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, यू कैन इमेजिन। तो व्हेन फ्लावर्स आर स्मॉल दे फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस फॉर विजिबिलिटी, जब छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं तो वो ग्रुप में रहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस में रहते हैं, और जिससे कि इंसेक्ट्स को वो इजीली दिखाई दे सकें। इसके अलावा इनमें एक और कैरेक्टर है कि ये कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो फ्लाइज यानी मक्खियों से और बीटल्स से पॉलिनेट होते हैं, वो अपने अंदर से कुछ ऐसी फॉल स्मेल यानी गंदी बदबू सीक्रेट करते हैं, गंदी बदबू पैदा करते हैं जिससे कि मधुमक्खियाँ और बीटल उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। तो सभी खुशबू की तरफ आकर्षित नहीं होते, कुछ बदबू की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। तो फ्लावर्स को सब पता है कि कुछ ऐसे इंसेक्ट भी हैं जो बदबू की तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए फ्लावर सीक्रेट करते हैं बैड ऑर्डर। इसके अलावा इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे। तो ये हैं कुछ स्पेशलिटीज एंटोमोफिलस फ्लावर्स की और बायोटिक एजेंट्स की। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके अलग अलग एजेंट्स के बारे में पढ़ा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।